ओके दीपक दादा, मैं तो बुलाए। नमो विद्रागाय, नमो विद्रागाय, नमो अरिहंताणं, नमो नमो सिद्धानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो नमो वज्जायाणं, वज्जायाणं, नमोलोय सवसाहुणं, नमोलोय ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो सर्वपावप्पणाशणो सर्वपावप्पणाशणो मंगलानं च सर्वेशिं मंगलानं सर्वेशिं परमां हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक दादा देव देव, आखिर आपको कंप्लीट आता है डेली प्रेयर? नहीं, कंप्लीट नहीं आती। नम्या आपको आता है? कंप्लीट नहीं आती। क्यों? ओके अनन्या दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय यानी पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसेर रहूंगी। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परम कार्य यानी कि सेवा करने में ही हो, जब सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में निष्ठावान, शुद्ध और विश्वसनीय बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपनी माता पिता की बात सुनने की संकल्प करती हूँ। आप ऐसी शक्ति दे कि मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब ना दू। इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। अच्छा, वेरी गुड। नमक आपको स्टडी प्रेयर आता है? नमक ओके देव। जय सच्चिदानंद। देवम देवम। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। ओके प्रहर। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, वो खुशी तेरे हाथ में ताकत नहीं है हाथ उठाने का, हैं? वो चेन्नई खुशी हाथ उठाने का ताकत नहीं है, अनुज को तो उठा लेती है अच्छे से, समझ गई? अभी तक के कचरे को निकालने के लिए रास्ता है अच्छा सा। यही सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। ओके, आज काम करेंगे अच्छे अच्छे तो नव कलम
अब सत साधन कंप्लीट किसने किया किसने नहीं किया वो बोलने का है। क्यों नहीं किया तो बोलने का क्यों। ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरे 23 आउट ऑफ 27 ही हुए हैं। दो बार मैंने 9 कलम में की थी और डेली प्रेयर एक बार की थी और त्रिमंत्र मैंने 15 टाइम्स किए थे। नहीं नहीं वो जो डिटेल नहीं मांगता है। नहीं क्यों कंप्लीट नहीं की वही बोलने का है। कंप्लीट किया तो कंप्लीट किया। हाँ आज वो मेरा थोड़ा उठने का थोड़ा लेट हो गया था इसकी वजह से, और आज मेरी एग्जाम भी थी केमिस्ट्री की, तो इसकी वजह से आज नहीं हो पाया। आपने खाने खाया था। हाँ खाना खाया था। क्यों खुशी दीदी खुशी कल तो आप नहीं थी। किधर गुम गई हुई थी। आपको कल मांगता था हमको अहमदाबाद। हाँ कल किधर गुम हो गई थी आप। मैं मेरे मामा के घर गई थी। ओके मामा। ओके तो आप बोलो रिपोर्ट दो। जय सच्चिदानंद, आज मैंने मेरे सत साधन कंप्लीट नहीं किए थे। क्यों ऐसे रीजन दे देने का। हाँ वो मेरे ओ अच्छा वैसे बोलो हमको अच्छा नहीं लगता है तो चलेगा। प्रहार हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने 19 आउट ऑफ 24 किए थे। आज मैंने सत साधन मतलब पूरा नहीं हो पाया। क्यों सत साधन किया था पर सारे सत साधन नहीं। क्यों 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 रह गया था। खाना किया था। हाँ क्यों देवम। जय सच्चिदानंद, आज मैंने सत साधन किया था। कम कितना किया था। सत साधन पूरा किया था। जी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने सत साधन किया था पर मेरी 9 कलम में रह गई थी। मैं होमवर्क करने बैठी तो भूल गई, मुझे याद था करना था पर होमवर्क करते करते भूल गई। तो अभी खाने का भूल जाओ ना देवम। पर 9 कलम में हाँ। मैं करने वाली हूँ सत्संग के बाद। तो ऐसे बोलो कि कंप्लीट करेंगे तो नो प्रॉब्लम देवम। हाँ। क्या क्या सत साधन में आपने क्या किया। 9 कलम सुधर्मपति प्रार्थना और त्रिमंत्र। वो तो थोड़ी नम कलम होता है। सॉरी सत साधन सॉरी होता है सब। प्रात विधि नमस्कार विधि किधर गए। असीम जय जयकार किधर गया। तो वैसे वैसे असीम जय जयकार क्या प्रार्थना नहीं किया था। खुशी नहीं किया था। विधि नहीं किया था। चिन्हय हाँ जी सच्चिदानंद, आज मैंने सत साधन किया था पर आज नमस्कार विधि और प्रातः विधि रह गई क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती। तो ऐसे बोलो सब नहीं किया था। ऐसे मत बोलो किया था नहीं किया था ऐसे बोलो। तो दादी माँ। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की एक बार की थी त्रिमंदर मैंने 9 टाइम्स की थी और आज मुझे दो बार चोर आ गया करते हुए। कौन सा चोर आया था। पहला तो मैं सब सुबह मेरा फ्री टाइम था तब मैंने पढ़ाई कर ली थी तब मुझे ऐसा चोर आ गया कि चलो हम खेलने हैं पढ़ाई मत करें। और आपने 9 बार क्यों किया। 10 टाइम्स ही करते थे। अब खाना सब बंद करने का होगा। नम्या आज मैंने सत साधन 24 आउट ऑफ 13 किया। 13 आउट ऑफ 24। इतना टीवी देखा तो टीवी इम्पोर्टेंट है कि सत साधन इम्पोर्टेंट। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने कीर्तन भक्ति नहीं की थी इसलिए सत साधन पूरा नहीं हुआ क्योंकि आज मैं स्कूल में एक्स्ट्रा स्टडी के लिए रुक गई थी तो सब लेट हो गया। तो ये खाना खाया था। हाँ खाने का कितना टाइम मिलता। खाने का 15 मिनट 20 मिनट तो टाइम 3 3 तो खाते हैं ना।
हाँ तो 15 टाइम 45 मिनट तो ओम 45 मिनट बंद करो और सत्ता भी करो खाने का बंद। हरि भाई आपको सत्ता तो मालूम है? हाँ मेरी दीदी ने मुझे कहा था आरती करने चाहिए। तो आरती किया था आपने? कौन सी दीदी ने किया था? कीर्तन भक्ति करनी चाहिए कुछ तो, कहा था। तो आपने किया था? हमारे वहाँ नहीं होती। तो आप सत्साधन करो ना, तो दीदी से पूछो सत्साधन। ओके ओके जी। आज हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरा सत्साधन नहीं कम्प्लीट हुआ है। नमस्कार विधि मैंने नहीं की है लेकिन मैं सत्संग के बाद कर दूंगी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने प्रात विधि की थी और नमस्कार विधि की थी। दादा की था और नौ कलम टू टाइम की थी और प्रार्थना नहीं नहीं किया था। कंप्लीट किया था कि नहीं वही बोलने का? नहीं किया तो बोलने का क्या? नहीं किया था क्यों? नहीं किया था कंप्लीट किया था। कासिम जी जी कर किया था? हाँ किसके साथ किया था? अकेले में। तो आपको किसको मालूम कि आपने किया था? मम्मी को। ओके वेरी गुड। वत्सल जय सत्यानंद, आज मैंने सत्साधन में कीर्तन भक्ति नहीं की थी लेकिन आज मैंने आरती की थी। नवनिधि जय सच्चिदानंद, आज वे सत्साधन पूरे हुए थे पर मैं आरती नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं डैडी के साथ बाहर गई थी। तो बाहर गई थी तो सत्साधन तो हो सकते हैं ना? सत्साधन किए थे मेरे सारे तो बस आरती रही थी। ओके आपको सिद्धात्मा प्रत्याप्रार्थ आती है? हाँ आती है। ओके सचिदानंद, आज मेरे पूरे सत्साधन नहीं हुए थे। नमस्कार मेरे नौ काल में और दूसरे सारे सत्साधन थे लेकिन मेरे सिर्फ नमस्कार विधि मैंने वन टाइम ही की थी और त्रिमंत्र मैंने 10 बार बोले थे। देव सचिदानंद, आज मैंने पूरा सत्साधन किया था सिर्फ मेरा कीर्तन भक्ति रह गई थी बाकी मैंने सब कुछ किया था। देखो करने का इरादा है क्या नहीं कंप्लीट? आज कर दूंगा। अभी किसके साथ आपको करेंगे? मम्मी के साथ। वेरी गुड। खुशी उनके बाद आरती करने के बाद। वेरी गुड। हां जी सच्चिदानंद, आज मेरे सारे सत्साधन हुए। नमस्कार विधि और प्रातः विधि, दादा ना आसिम जय जयकार छूट गए थे। किसके साथ क्या आसिम जय जयकार? आप तो घर पे नहीं है। मैं मामा के साथ करती हूँ। तो मामा करते हैं? हाँ सारे सत्साधन करते हैं। दर्शना वेरी गुड। जय सच्चिदानंद, आज सत्साधन में मैंने नवकल में 3 बार की थी। डेली प्रेयर 1 टाइम किया था, स्टडी प्रेयर 2 टाइम किया था और कीर्तन भक्ति ने की थी और आरती की थी। कीर्तन भक्ति किया? नहीं भूल गई थी, नहीं किया। नहीं की। और नमस्कार विधि किया? प्रात विधि किया? आपने नहीं। शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना आता है? नहीं। यस और नो? नहीं। हाँ तो कब कब सीखेंगे? कल तक सीख जाऊंगी करूंगी। ओके कल आपको बोलना पड़ेगा सत्संग में। और खुशहाल है? खुशहाल है उधर? हाँ। ओके खुशहाल खुशहाल नहीं सुना देता है। मैंने नौकर में 1 बार की थी, डेली प्रेयर 1 बार की थी, स्टडी प्रेयर 1 बार की थी और आरती भी की थी। नौ कलम फूल आता है आपको?
बोलियो पहली दो बोलो। किसी भी देहदाई जीवात्मा के अहम को किसी को भी हमको ठेस ना पहुंचे ऐसी साधना वाणी साधना वर्तन एवं साधना मांग करने की पहन शक्ति आप मुझे दे। ये दाना हम किसी भी धर्म के दिन में बोल हमको सुनाई नहीं देता है। ए दादा भगवान मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचन मात्र भी ठेस ना पहुंचे ना पहुंचाई जाए एवं ठेस पहुंचने का वर्णन समर्थन ना हो ऐसी पहन शक्ति आप मुझे दे। किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचन मात्र भी ठेस ना पहुंचे ऐसी साधना वाणी साधना वर्तन एवं साधना मांग करने की पहन शक्ति आप मुझे दे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके दीपक दादा, हेलो कौन हिचरी है? कौन है दीपक? दीपक हिचरी है, मैंने देखा। ओके देखो हमारा ये सत साधन का इनकंसिस्टेंसी यानी ठीक तरह से होता नहीं है। आज नहीं हुआ तो हर रोज कहीं ना कहीं हम गड़बड़ करते रहते हैं, सही है? तो ये जो अनिश्चितता है तो उसके लिए आपको सब जैसा तय करेंगे ऐसा होगा। तो आप सोचो और समझो इतनी सारी बातें हैं जिनके लिए हमें निश्चय करना पड़ेगा, आप समझे? इसीलिए क्या कहा, निश्चय ही हमारा जीवन है। निश्चय और प्रतिक्रमण, निश्चय और प्रतिक्रमण, निश्चय करते रहो। जो जो बात कमजोर है चूक जाते हैं उसका बार बार निश्चय करो। उसका मतलब क्या है, निश्चय कब तक करना है? जब तक वो परिणाम नहीं देता तब तक निश्चय करना है। जैसे कि आप स्कूल गए कि कहीं बाहर गए तो आपका निश्चय क्या होता है? हमें पढ़ना है, वो निश्चय होता है। नहीं 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 वो तो सही है, वापस घर आने का, बाहर गए घूमने गए किधर भी गए तो वापस घर आने का निश्चय होता है ना। हाँ। और आ ही जाते हैं ना। हाँ। अगर कोई कारण हुआ आप नहीं आ पाए तो पहले एक दिन दो दिन तीन दिन, लेकिन जैसे कि ये लॉकडाउन में कुछ लोग जो बाहर गए थे वो 6 महीने 8 महीने के बाद भी वापस आ गए, क्योंकि वापस घर आने का निश्चय था। उसी तरह से ये सत साधन सभी, ये जो हम तीन हमारे गोल का जो प्रेयर करते हैं, स्टडी हेल्थ स्टडी एंड सत्संग, और फिर ये सत्साधन का निश्चय तो सत्संग में आ जाता है दादा के ज्ञान का, लेकिन ये सभी का निश्चय हमें बार बार दोहराना है, क्योंकि हम कभी भी इस तरह की शिष्टता से डिसिप्लिन से रहे नहीं है, जिए नहीं है। मर्जी में आया वो किया, मर्जी में आया वो नहीं किया, लेकिन उससे हमारा काम बनेगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बनेगा। इसीलिए हम बार बार दादा भगवान का उदाहरण देकर लेकर हम अपने आप को पक्का करना चाहते हैं कि देखो इस तरह से हमें निश्चय करते रहना है। यानी निश्चय करना वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता। यानी कि वो जो SDRC एंड वो पता है किसने बनाया, बनाने कहा था वो कल या कभी बताया था ना, हीर ने बताया, और दूसरा कौन बनाने वाला था? श्रेया वत्सल भाई, वत्सल
का एग्जिस्टेंस है सत्संग में। वत्सल हाँ आपने बोला था बनाने का, क्या हुआ? भूल गया खाने का, कोई नहीं खाने का कोई नहीं भूल जाता है। देखो भूल गया, लेकिन क्यों भूल गया वो पता है आपको? नहीं निश्चय तो सही है, जो भी कुछ बताया जाता है आपकी डायरी में लिख लेना है कि मुझे ये करना है। आप लिखेंगे तो वो लिखना ही आपको रिमाइंड करवाएगा, याद तो करवाएगा। डायरी नहीं है तो क्या लिखेंगे? क्या डायरी नहीं है बच्चा? डायरी नहीं है तो क्या लिखेंगे बताओ, कहाँ है आपकी डायरी? डायरी नहीं बने मतलब बुक में लिख सकता। अरे जो भी है कहाँ है, लेकिन हाँ तो मम्मी के पास है। कहाँ है अरे जवाब दो ना। चलो अभी इसका भी निश्चय करना पड़ेगा, ये भी कमजोरी है। ये देखो क्या है, एक ही है बोलो, कितनी ढेर सारी पेन रखता हूं मैं। देखो ये देखो, ये देखो जब अलग अलग पेन रखेंगे तो अलग अलग पेंसिल लिखने का भी जी करता है। आप समझ गए वत्सल कहाँ गया? आप समझ गए वत्सल? वत्सल आप म्यूट क्यों रखते हैं सब? अनन्या आप म्यूट क्यों सब रखते हैं? एक एक बात समझ लेना है, जहां जहां जो जो हमारी गलतियां पकड़ में आती है, क्योंकि अभी ये पूरा हमारा रास्ता तो टूका नहीं है ना, लंबा है ना अभी अभी, और यात्रा तो लंबी है ना हमारी। तो ये लंबी यात्रा में तो अनन्या कुछ बोलना है आपको? हाँ वो रनी दादा ने बोला ना कि म्यूट क्यों कर देती है, वो मुझे थोड़ी खांसी है इसलिए डिस्टरबेंस ना हो ना इसलिए म्यूट कर देती हूँ। खांसी तो दवाई क्यों नहीं लेती है? दवाई ली थी। अच्छा। ओ गोली रखो ना जेब में, अबे ओ माउथ में वो गोली रखो तो फायदा। हाँ। सब हैंडी रखना है तब काम होता है, कभी सीखेंगे आप लोग? वो तो मम्मी रखती है ना। देखो हमें क्या पता चलता है, जैसे जैसे हम बातें करते हैं, क्या बोलते हैं, डायलॉग करते हैं, यानी एक आदान प्रदान करते हैं ना, तो हमारी गलतियां बाहर आती है। अरे ये भी रह गया, अरे ये भी रह गया, अरे ये भी रह गया। तो उससे हमें मायूस नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, बुरा नहीं लगाना है। उसका कभी निश्चय ही नहीं किया तो मैं भी क्यों डायरी रखता हूँ? वो बहुत मार खाया, इसीलिए मैं तो सत्संग में भी लेके ही जाता हूँ, मेरे पास होती है, मेरी बैग में होती है। एनीवे तो ये हमें हमेशा हैंडी रखना है। वत्सल समझते ना अभी आप? वो लिखेगा, देखो आपने लिखा ना इसीलिए भूल गए। अभी वो उसके लिए क्या बोला था, वॉट गेट ट्रैक्ट गेट्स डन, जो ट्रैक किया जाता है वो होता है। समझ गए? हाँ समझ गए। तो ये नहीं होने का कारण क्या है? आपका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है यानी आपने लिखा नहीं, लिखेंगे तो याद रहेगा। आप समझे? हम इतने परफेक्ट नहीं है कि सब कुछ हमें याद रहेगा, बोला और याद रहेगा, इसीलिए हमें ये भूल गए तो ये पता चलता है कि हमें लिखना जरूरी है। सब लोग समझ गए? हाँ हाँ, ये प्रैक्टिस है कि गोल को पहुंचने के लिए हम क्या प्रैक्टिस करेंगे। देखो ये लोग जो गोल्ड मेडल जीतते हैं ना, वो गोल्ड मेडल के लिए जो तैयारी करते हैं ना, वो अभी है तीर्थ नो मिशीव, आपके पास बाद में बहुत टाइम है झगड़ा करना है, करते रहना फिर।
सत्संग के टाइम में नहीं है, तो वो चार्ट बनाते हैं कि आज के दिन मेरा 100 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगा, हर रोज वो लिखते रहते हैं और इस तरह से वो अपना प्रोग्रेस नोट करते रहते हैं और कहाँ कहाँ क्या गलतियां होती है उसको ऑब्जर्व करते करते उसको सुधारते रहते हैं वन बाय वन। एक मूर्ति बनानी होती है ना, मूर्ति तो समझते हैं ना, हाँ स्टेच्यू अभी समझो आपको हमें भगवान की मूर्ति बनानी है, सिमंदर स्वामी भगवान की मूर्ति बनानी है, एक उदाहरण लेते हैं तो उसमें कितनी सारी बातें हैं कि जहां पर वो गलतियां हमें मिलती जाएगी हम सुधारते जाएंगे। इस तरह से हमारी मन वचन कहा कि मूर्ति हमें गढ़ना है दादा भगवान के ज्ञान से, वो रातों रात होने वाली नहीं है, इसीलिए चाह करके यानी नोइंगली नहीं करना वो सही नहीं है। जिया ये आपका फोन इतना हिलता क्यों रहता है, टेडी रहो ना, समझ गए, रातों रात होने वाला नहीं है। दादा भगवान ने क्या कहा, 40 साल 9 कलमे की उसका परिणाम दादा भगवान प्रकट हुए, और फिर वे जो प्रकट हुए वो कैसी कौन से लेवल की प्योरिटी के साथ, उनकी प्योरिटी ऐसी थी कि उनके नजदीक में जो है ना उनको अंदर जो सब गलत है ना वो वॉमिट हो जाता था, वो रह नहीं पाता था। हमेशा होना है हमारे अंदर के दादा भगवान को जागृत करके उनकी उपस्थिति का हमें लाभ लेना है, निश्चय कर करके। आज तक निश्चय नहीं किया था इसीलिए जो माँ का है वो, कुछ लोग तो फेल भी होते हैं, कुछ लोग बाहर दिखाई देते हैं अच्छे लेकिन माँ तो पास हो गए बस मेरे जैसे, लेकिन अभी वो चलेगा नहीं, पास होने में तो कोई आपको कोई खड़ा नहीं रखेगा, और जो फेल होते हैं उनको तो बिल्कुल अंदर ही नहीं आने देंगे, समझ गए। तो ये बार बार निश्चय का परिणाम परफेक्शन होता है, इसीलिए एस सुपरविजन डायलॉग यानी आदान प्रदान करना कि क्या है, और फिर उसके आधार पर रिपोर्ट लिखो तो आपको पता चलेगा कि 6 महीने पहले हम कहाँ थे, 3 महीने पहले हम कहाँ थे, 1 हफ्ते पहले कहाँ थे, कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ है, और आगे हमें जाना है तो उसके लिए हमें क्या प्लान करना है। ये क्रिया वाला है, करना है ऐसा नहीं है, समझ है, समझ के आधार पर हमारा निश्चय होता है, और निश्चय जब से हुआ तब से हमारी गलतियां बाहर आती जाएगी। जैसे कि हमने सत्साधन करने का तय किया है तो जैसे बोलते हैं ना 19/24 और 13/24 और 23/27 वगैरह वगैरह जो कुछ सब लोगों ने बताया वो उनकी गिनती है, और ये रिकॉर्ड करने से हमें पता चलता है कि इतना हुआ इतना रह गया, वो क्यों रह गया उसे ढूंढ निकालो, और वो कैसे याद रहे और कंप्लीट हो उसके लिए सोचो क्या करना चाहिए। आपके लिए मैं सोच सकता हूँ? नहीं सोच सकते। आप मेरे लिए सोच लो ना तो मेरा काम हो जाए। हाँ बच्चे तो बहुत पावरफुल होते हैं ना, स्मार्ट, तो 22nd ये 21st सेंचुरी है कि 22nd सेंचुरी है, 21st सेंचुरी के ब्रिलियंट स्मार्ट बच्चे, दादा भगवान के बच्चे हम है बच्चे, क्या बोलता था है? आप समझे ना, तो आप जितने स्मार्ट है तो मेरे लिए कुछ काम कर लो ना, बोलते नहीं ये काम सबको अपना करना, आई कैन हेल्प यू, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं लेकिन करना तो मुझे ही होता है, और वो कैसे होगा ये प्रिंसिपल हमें समझ लेना है। निश्चय जितना स्ट्रॉन्ग फर्म निश्चय, फिर उसके साथ वो निश्चय कैसे हमारा बना रहे, उसको क्या क्या जरूरत है सपोर्ट के लिए, वो वातावरण यानी कंपनी एटमॉस्फेयर, ये सत्संग में बारी बारी आना, ये सत्संग चुक जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, समझ गए।
तो ये निश्चय और निश्चय करने का परिणाम क्या आएगा, गलतियां पता चलती जाएगी, उसका प्रतिक्रमण होगा, उसका फिर से रिजोल्यूशन होगा कि नहीं ये चुकना नहीं है, दादा मुझे शक्ति दो, ये नहीं चलेगा। लेकिन ये जर्नी फिर बहुत शॉर्ट और फर्स्ट क्लास हो जाती है। मैन ऑफ परफेक्शन, मैन ऑफ पर्सनैलिटी, दादा भगवान जैसे ऐसे तो बनेंगे नहीं ना। थोड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत नहीं है, ये जर्नी बहुत मजे की है, वेरी एडवेंचरस। ये खुद की प्रकृति से लड़ना नहीं है, उसको पहचानना है, उसकी कमजोरियों को पहचानना है और वन बाय वन रिपेयर करना है। समझ गए? हाँ समझ गए। तैयार है आप लोग? हाँ। कौन तैयार नहीं है, हाथ उठाओ। तैयारी किसकी नहीं है, कौन कौन तैयार है, चलो हाथ उठाओ। हाथ भी पूरा भी उठा नहीं सकते इसे, डर के क्यों करते हैं। यस आई एम रेडी, वेरी गुड वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। ओके, दो क्वेश्चन बाद में पद सुनने का है। ओके मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मेरी दो बहनें अगर मुझे रेस्पेक्ट नहीं देती है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और उस पर गलतियां भी निकालने लग जाती। देखो एक बात ऐसा है, कोई पुलिस को रिस्पेक्ट नहीं दे ऐसा होता है? नहीं। आप पुलिस से भी बेकार हो गए, पता नहीं। आप समझे, कहीं ना कहीं आपका लूप होल है, कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है, वो ये लोग जान गए हैं। आप समझ गए? हाँ। नहीं तो ऐसा हाँ। कैसे हो सकता है बड़ी बहन को कोई रिस्पेक्ट ना दे। हाँ। देखो एक बात बताता हूँ, मेरा भतीजा छोटा था। हाँ। तभी शायद 5-7 साल का था, 7 साल का समझो ना, 7-8 साल का। हाँ। उसका नाम सौरभ है, तो प्यार से कभी हम उनको सोरबा करके बुलाते। तो मैंने उनको बोला सोरबा पानी लेके आओ, ऐसा किया। उसका क्या मतलब? मुझे तुरंत मेरी गलती समझ में आ गई, अरे ये तो बड़ी गलती हो गई। कि थोड़ा टाइम जाने दिया, फिर ने कहा बेटे चाचू को बहुत प्यास लगी है, मैं काम में बिजी हूँ, मेरे लिए पानी लाओ ना प्लीज। दौड़ के गया और पानी लाया। उसे क्या मतलब समझना है, ये बनाई स्टोरी नहीं है, ये मेरे साथ हकीकत में हुआ है। हाँ। आप समझे? हाँ समझ रहे हैं। हाँ। तो आपको अपने आप के अंदर झांकते रहो, कहाँ क्या गलती रहती है, अपने आप होगा। देखो वे लोग जब आपके पास मदद लेने आते हैं, तब आप हर बार उनको मदद करते हैं कि भगा देते हैं? हर बार तो नहीं होता, भगा देती हूँ कभी कभार। कभी की बार बार भगा देती हो? कभी कभी भगाती हूँ। लेकिन जब भगाती हो तब आप कुछ करती रहती हो कि ऐसे ही भगा देती हो? नहीं वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है तब वो। ये बात है, आप समझ गए? हाँ। जैसे कि अगर आपने उनको भगा दिया, ये एक एग्जाम्पल है। हाँ। कि आपने भगा दिया तो वो भी देखते हैं कि भगा क्यों दिया। अगर आप काम करते हैं और उनके भगा दिया ना, तो वो खर्च नहीं करेंगे, वो समझ जाएंगे कि नहीं दीदी बिजी है इसीलिए उनको उन्होंने मुझे मना कर दिया। आप समझे? हाँ। ये बात है। हाँ। ये क्या बताता है, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। जो आपको चाहिए वो पहले दो, वो ये दुनिया का उसूल यह है, नियम रूल यह है। आपको जो चाहिए वो दो, आपको सुख चाहिए तो सुख दो, तो आपको सुख मिलेगा। मांगेंगे नहीं फिर भी मिलेगा। दादा भगवान ने लोगों की इतनी सेवा की, ओब्लाइजिंग नेचर के लिए बताया है ना दादा भगवान ने। हाँ।
बताएं। You have to be obliging. ऐसे जो भी हो सके उतना। और फिर वो अगर खुशी का टाइम टेबल बीच में आ जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करूं? वापस करो क्या कहा? तो फिर अगर टाइम टेबल आ जाए तो मैं उसके सामने रेस्पेक्ट से बात करूं तो फिर वो ज्यादा टाइम टेबल आ जाए। यार मैं समझा नहीं। खुशी का टाइम टेबल आपने मुझे सुपरवाइज करने के लिए कहा था ना? हाँ तो जब भी मैं उसे प्यार से कहती हूँ ऐसा दे दो वो कर दो तो वो मुझ पे गुस्सा करती है तो भी क्या करूँ उस पर? देखो अगर वो गुस्सा करती है वो फॉल्ट में है या फॉल्ट में हो? हाँ तो उसको बोलना है चोरी के ऊपर सीना चोरी, ऐसा नहीं बोला जाता? हाँ। जी बेटे सुन रहे हो आप? हाँ। आप लकी नहीं है कि आपको बड़ी बहन है जो आपके ऊपर सुपरवाइज करती है और आपको सपोर्ट करती है तो अच्छा नहीं है? अच्छा है। हाँ तो वो कभी बोले कभी डांटे तो डांट खा लेने की, उसमें क्या है? आप परफेक्ट हो जाएंगे तो कोई डांटेंगे आपको? पर दादा वो साथ में मार भी खिलाती है। मार खिलाने दो। जो मार खाता है ना वो पावरफुल होता है और जो मारता है ना वो कमजोर होता है। उसको कमजोर होना है तो क्या करेंगे? हाँ। आप समझे? हाँ। लोहा को ठोक ठोक कर वो पावरफुल हो जाता है। हाँ। तो ये क्या बोले समझ रखना कि कोई हाँ। मारेगा ना, ये जो मार्शल आर्ट मिलिट्री में जाते हैं ना वो हाँ। मिलिट्री वाले वो वत्सल जानता है, वो कराटे वागल वगैरह में जाता है ना तो हाँ। एक टाइम उनको मारते ही रहते हैं। वो सब बड़े लोग हैं ना, छोटे बच्चों पर छोटे लोगों पर यानी ट्रेनिंग पर उनको मारते रहते हैं, गिराते रहते हैं, उसमें वो गिरते गिरते वो पक्के हो जाते हैं। हाँ। बिल्लियों को छोटे कब्स जो होते हैं ना एनिमल्स के, वो पता हाँ। है वो खेलते रहते हैं गिरते हैं। हाँ। बंदर को देखा है? बंदर के बच्चों को? हाँ देखा है। बंदर को भी देखा? अरे यहाँ तो कितने सारे बंदर आते हैं सब तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन हाँ। वो बंदर जिस तरह से वो खेलते हैं खेलते खेलते वो सीखते हैं क्या इधर पलटी मारते है वैसी पलटी मारते समरसॉल्ट मारते ऐसा करके चलते उतरते गिरते है हाँ। ये सब बात है। तो ये प्रोसेस में हम मजबूत होते है हाँ। तो आपको तो घर में ही है ना तो अच्छा है ना हाँ। खुशी हो खुशी बेटे हमारी यात्रा लंबी है वो तो जानती है ना हाँ, जानती हूँ। हाँ थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा अच्छे से ना, रिजल्ट इज ऑब्वियस तो डोंट मेक इट ऑब्वियस। फिर आपको वो अनुज की सेवा में ही रख देंगे। फिर कितना वनवास है? कितना टाइम वनवास है? हाँ क्या कितना टाइम वनवास है? अरे कितना टाइम उधर रहने वाली है मामा के घर? इसको ओपन वाला है तो आ जाएगी। हाँ? मैं आ जाएगी। उसकी आवाज नहीं आती ना? नहीं नहीं जाता। तुझे मेरे बोलो। जनवरी 5 और 6 आ जाऊंगी। जनवरी 5 और 6 क्या बोलती है? फरवरी 5 कहना चाहती है। भूल गई तुझे महीना भी बदल गया। तो अभी वो वहां ही रहने वाली है यानी 5th यानी अनदर 5-7 days 8 days। नहीं दादा स्कूल ओपन होने वाला है 1 तारीख को तो आ जाएगी। फरवरी 1 स्कूल रीओपन होने वाला है तो अभी आना ही पड़ेगा उसे। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट इम्प्रूव करने का है ना, उसको पढ़ाई अच्छे से करना पड़ेगा नहीं तो इससे प्रॉब्लम। आप ध्यान रखना तो ये मन पे मत रखो। हाँ। रिस्पेक्ट ऐसा है ना, इसके लिए एक बड़ा अच्छा बताया है कि आप बोलो डांटो तो ये समझ सकता हूं कि मम्मी का जैसा हार्ट हमारा होना मुश्किल है,
यानी मम्मी डांटती है ना फिर भी हम मम्मी के पास ही जाते हैं। वो आपने नहीं देखा, वो डांटती है पैसे लेके, वो डांटती भी है, हमें बुरा भी लगता है और वापस हम मम्मी के पास ही जाते हैं। वो मास्टर की क्या है मम्मी के पास, क्योंकि वो दिल से हमारे साथ है बच्चों के साथ, इसीलिए वो डांटती भी है, लड़ती भी है, कभी कभी मारती भी है, लेकिन फिर भी हमें मम्मी मम्मी करते हैं। वो धीमे धीमे होगा, आप समझे, तो फिर वो रिस्पेक्ट देंगे, और नहीं देंगे तो फिर आप अपने तरफ से करेक्शन में लगेंगे, समझ गए। नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अपने टाइम टेबल सही से फॉलो नहीं कर पा रही, पर मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करती हूँ, बाकी लेसन भी रोज लर्न कर लेती हूँ, होमवर्क भी कर लेती हूँ, पर वो उस टाइम पे नहीं हो पाता जो टाइम मैंने सोचा होता है, टाइम चेंज हो जाता है, क्योंकि कभी करानी को कोई काम होता है तो मैं मदद करती हूँ, या मासी बुला लेती है तो मैं मदद कर उनकी मदद करती हूँ, या फिर किसी सब्जेक्ट पे ज्यादा काम आ जाता है तो ज्यादा होमवर्क हो जाता है, तो फिर मैं उस टाइम पे नहीं कर पाते जो मैंने सोचा होता है। उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने टाइम टेबल बनाया है ना, तो आपको बैक ऑफ योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, बैक ऑफ योर माइंड, इसे आपको मन में पता लगता है कि ये रह गया है, ये रह गया है, ये टाइम मिस हो गया है, ये करना बाकी है, वो जरूरी है, आप समझे। हाँ। जैसे कि आपने अभी ए 1 आवर मैथमेटिक्स के लिए रखा था टाइम टेबल, एक्सपर्ट टाइम टेबल, लेकिन कोई काम आ पड़ा और आप वो नहीं कर पाए, ठीक है। हाँ। आपको तो करना था, लेकिन संजोग ऐसे है कि आप नहीं कर पाए, तो आपको याद रहेगा कि 1 घंटे का मैच करना है मुझे, वो कभी हाँ। भी बीच में आप टाइम निकाल लेंगे किसी और में से, टाइम निकाल के भी, जैसे किसी और ने मैथमेटिक्स का टाइम लिया ना आपका, हाँ उसी तरह से किसी, हाँ टाइम निकालती हूँ अगर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस ना हो पाए तो किसी और। हाँ, लेकिन वही बताता हूँ, तो ये बराबर है, हमने टाइम टेबल बनाया, लेकिन संजोग उसके अनुसार हो या ना भी हो ना, संजोग हाँ। तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। कई बार कुछ और होमवर्क दे दिया ज्यादा, तो आपको किसी और का टाइम लेना पड़ता है, लेकिन जब जब आप लेंगे तो आपको पता भी रहेगा कि ये टाइम रह गया है, उसका कवर करना है, वो बाद में कवर कर लेने का। आज अगर समझो साइंस में ज्यादा टाइम लिया होमवर्क के कारण, तो कल साइंस का टाइम होता है तो उसमें मैथमेटिक्स कर लेने का एडजस्टमेंट, समझ गए ना। हाँ। तो फिर हमारा टाइम टेबल का गोल क्या है, कि हमें जो सब्जेक्ट में जो टाइम देना है ना, वो हम दे पाते हैं और हमारा रिवीजन ठीक से होता है, प्रैक्टिस ठीक से होती है, ठीक है। हीर दीदी। जय सच्चिदानंद, मुझे ये डाउट था कि मैंने कल दादा की बुक रीड की थी ना, तो उसमें आया था एक ऐसी स्टोरी आई थी कि दादा ने एक दिन कोई अलग रूट ले लिया, कहीं पे जाना था उन्हें, उन्होंने रेडिश खाते से फिर वो आगे गए, तो उन्होंने कहा कि रेडिश के एटम की वजह से, तो मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। वो ठीक है, वो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन आपके पास ये फ्री टाइम मिला ये पढ़ने के लिए? हाँ, 1 घंटा मुझे मिलता है, मैं टेस्ट के लिए कर लेती हूँ ना, तो आधा घंटा ऐसा कुछ मिलता है, तो मेरे लेकिन आपके आपके दूसरे सब सब्जेक्ट बराबर है? नहीं। फिर आप समझिए, राइट थिंग एट द राइट टाइम, अभी एग्जाम सामने सर पर खड़ी है और आप ये करेंगे तो आप समझे कि हम लोग खुश होंगे? नहीं। आप समझो, ये फ्री टाइम को पहले तो हमारे सब सब्जेक्ट को ठीक करना है, फिर सरप्लस बचे तो थोड़ा ये पढ़ाई करे, लेकिन अभी नहीं, वो सब वेकेशन में, आप ये अभी इधर आते हैं और उसमें जो सब बातें होती है वही आपका सत्संग इनफ है अभी, समझे। हाँ, तो जैसे
आप तो पुत्र सत्संग में आते थे तो और एग्जाम आती है तो दादा बोलते चलो जाओ पढ़ाई करो पढ़ाई करो चलो, फिर एग्जाम होने के बाद आना, फिर आप समझे। तो ये फ्री टाइम को पहला इसमें यूज करना है अभी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में मार्क्स ठीक नहीं है, उसमें अपग्रेड करना है। मैं अभी एक आपको भेजता हूँ कि हाउ दे हैव डिफाइंड, रजी दादा एनीवे एक ये ए बी सी डी ग्रेड होता है ना, तो उन्होंने उसका डेफिनेशन दिया है व्हाट डज दैट मीन, तो ये बड़ा अच्छा है, हमें पता चलेगा कि इफ वी स्टैंड 60-70% तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, वो तो मैं भेज देता हूँ 9 PM के ग्रुप में, लेकिन आप समझ गए। अभी दूसरी एक बात अभी जो पूछा है उसका शॉर्ट में बता देता हूँ। अलग रास्ते से गए और वहां कुछ खाना हुआ, वो बीच रास्ते में आया, वो सिंगोड़ा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सिंगोड़ा, वो सिंगोड़ा देखा दादा ने, तो दादा ने कहा 15 पैसे का दो। तो वो सिंगोड़ा वाला बोले दादा अभी इसके भाव तो बहुत पुराने हैं, आप ये भाव जो पूछ रहे हैं 15 पैसे में कुछ नहीं आता है, 1.5 रुपया लगेगा। तो फिर दादा ने कहा चलो ठीक है 1.5 रुपये में दे दो। फिर उन्होंने सिंगोड़ा खाए, फिर दादा सोचने लगे कि ये रास्ता हमारा क्यों बदला। तो बोले ये सिंगोड़ा खाने के वास्ते हमारा रास्ता बदल गया। यानी कि उसका मतलब क्या है कि जो कुछ होता है ना वो होने के कारण हमारे संजोग बदल जाते हैं। हम सोचते कि अरे ऐसा क्यों हो गया, कुछ अच्छा होने के लिए भी हो सकता है, कुछ बुरा होने के लिए भी हो सकता है। यानी हमें संजोग को देखना है और संजोग क्यों बने, वो संजोग हर संजोग में हमें किसी न किसी प्रकार से कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, और वो अच्छे से बुरे से हमें सीख लेना है कि हमारे यहाँ क्या अच्छा गया, अच्छा का परिणाम, अच्छा जो परिणाम आता है तो हमने अच्छे का परिणाम है, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है तो हमें ढूंढ निकालना चाहिए कि क्या गलती हुई थी जिसके कारण ये संजोग आया और उसको हमें सुधार लेना है। आप समझे, जैसे कि हमारा रिजल्ट आता है और रिजल्ट में हम मार्क्स देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने पढ़ाई कैसी की है, पता चलता है। यस, और वो रिजल्ट पे से हमें हमारा करेक्शन कर लेना है, रिपोर्ट से करेक्शन करके वापस इम्प्रूवमेंट। हाँ। जय सच्चिदान, जय सच्चिदान। ओके, अभी अपना टाइम हो गया है देवम। हाँ, जय सच्चिदानंद। अमर अम्बलाल ना दादा भगवान ना वाणी केण अजवाड़े चौखंड ब्रह्मांड ना व्यवहार निश्चय ना समभावे उकेल ना गुण सूत्र ध्यान ना निगुठ शुद्धात्मना समंदर निपरती ने कोई धीरो कान ना समय नी सवारी कोई थी बंधाय ना प्रेम आन पुष्प बेउ स्वयं पूछे विश्वमा कादव मा फूल प्रफुल्लित मुख अरविंदना। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आपने मैं ये पढ़ पढ़ के किया आपने, वो आपके आता नहीं है विदाउट रीडिंग? हाँ, पढ़ा थोड़ा थोड़ा। आप गा सकते विदाउट लुकिंग एनीवे। पद आपने क्यों पसंद किया? मम्मी का वर्ड पसंद है।
क्यों, इसमें क्या है? इसका ट्यून और वो सब मुझे बहुत पसंद है। क्यों, इसमें क्या है आपको पसंद लगता है इसमें? पूछो ना मम्मी को। हाँ ओके, दो मिनट दीपक दादा का बताओ उसको। या देखो, ये दादा भगवान के बारे में इसमें बताया है, अमर अम्बा लाल ना दादा भगवान ना वाणी की ना ज्वाड़े, यानी दादा भगवान की जो वाणी है वो सारे ब्रह्मांड का समाधान, समाधान यानी कि जो हमें हम जानते नहीं है वह रहस्य उन्होंने खुला किया। और सबसे बड़ी बात क्या है, व्यवहार यानी जो विनाशी है, और निश्चय भगवान जो अविनाशी है, और किस तरह से जीवन व्यवहार का हम समाधान से उसका क्या बोले निचोड़ लाए, उसको कैसे उसका उसमें से हम निकल आए, वो सूत्र गूढ़ सूत्र ध्यान वो शुद्धात्मा का हमें दिया। फिर बताया देखो, समंदर की भर्ती में कोई रोक नहीं सकते, यानि ये जो समंदर में ज्वार भाटा आता है ना, यानि भर्ती ओटा में ने, अरे अभी तो ये गुजराती में कि इंग्लिश में, गुजराती हिंदी में, हिंदी 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 हिंदी, वो ज्वार भाटा यानी एब एंड टाइड आता है ना समंदर में, उसको उसको कोई रोक नहीं सकते, वो टाइमिंग नेचुरल है। तो उसी तरह से यह जीवन की सवारी जो है ना, उसको हम बदल नहीं सकते, संजोग नहीं बदलेंगे, लेकिन हमें बदलना पड़ेगा, लोग नहीं बदलेंगे। इसीलिए एडजस्ट एवरीवेयर का दादा ने सूत्र दिया कि एडजस्ट एवरीवेयर के सूत्र लक्ष्य में रखो, तो संजोग तो बदलेंगे नहीं, लेकिन आप एडजस्टमेंट से आपका रास्ता निकाल कर आप मोक्ष तक पहुंच जाएंगे, व्यवहार में भी सफलता मिलेगी और मोक्ष में भी पहुंच जाएंगे। जैसे प्रेम और पुष्प अपने आप होता है, पुष्प यानी जो फूल होता है ना, वो स्वयंभू होते हैं, यानी हम सब हमारे अंदर जो प्रेम की भावना है ना, एक दूसरे के लिए स्नेह की भावना होती है, वो नेचुरल है। लेकिन जब हम स्वार्थी हो जाते हैं ना सब, तब दूसरों को दुख देते हैं। फिर ये बताया कि कादव के फूल प्रफुल्लित मुख अरविंद के, यानी ऊपर कमल का फूल देखा है ना, वो कितना अच्छा दिखता है, उसकी सुगंध भी अच्छी आती है, लेकिन वो नीचे क्या है, कीचड़ है, कीचड़ है। और तो और वो कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ से अलग रहता है। इसी तरह से हम कमजोरी होने पर भी हम कमजोरी के प्रभाव में नहीं आना है, और कमजोरी से उभर आना है, निकल आना है, ऐसा दादा भगवान का ज्ञान हमें मिला है। ऐसे विरागी को पुरुष को, वैरागी पुरुष को हम नमन करते हैं। नमस्कार करना यानी उनके उनसे कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे, उनकी बताई हुई राह पर हम चलेंगे, तो हमें संसार में सुख मिलेगा, सफलता मिलेगी, और आखिर में मुक्ति भी मिलेगी। ठीक है, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा, दुखी होंगे, सफलता नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, निष्फल होगा, निष्फलता यानी अनसक्सेसफुल, और भटकना पड़ेगा। और यहाँ पर सुखी होंगे, सफलता मिलेगी, और मुक्त भी होंगे। ठीक है, तो क्या आप क्या समझ में आया, क्या कर रखा है आपको अभी? हमें किसी के यूज में आए, ऐसा होना है। आपको क्या करने का है? हमें किसी के यूज में आए वैसा करना है। एडजस्ट एवरीवेयर बताया सब, क्योंकि सरकमस्टेंसेस चेंज होती है, एडजस्ट एवरीवेयर।
ओके, यशवी भाई ने बहुत अच्छा काम किया हो तो थोड़ा थोड़ा देखने का। ओके, जय सच्चिदानंद। ओ खुशी, अहमदाबाद कल बताना हमको आपके एड्रेस एवरी रूम में क्या मालूम पड़ा आपको। जय सच्चिदानंद।